गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ ये वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्रकार की एजुकेशनल न्यूज, रोजगार समाचार, विभागीय योजनाओं की संपूर्ण जानकारी, दैनिक समाचार, आगामी आने वाली भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट, आंसर कीज और विभागीय आदेश की सबसे पहले सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। अभ्यर्थियों को रीट से पहले व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के परिणाम जारी होने की आस। जी हाँ दोस्तों, उलझ सकती है परीक्षा एजेंसियों की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया। पहले परीक्षा और फिर परिणाम की देरी शिक्षक भर्ती की तैयारियों में जुटे बेरोजगार की खुशियों के गणित को बिगाड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह खबर है रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकेंड लेक्चरर RPSC भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती। जी हाँ, सेकेंड ग्रेड भर्ती RPSC की ओर से। तो अभ्यर्थियों का कहना यह है कि सबसे पहले RPSC फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी हो, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का और उसके बाद में रीट भर्ती का जो है परिणाम जारी हो। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, बने रहे हमारे साथ। आज की संपूर्ण खबरें आपको बताई जाने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे हैं आप। जी हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण खबर, सेट परीक्षा आज। जी हाँ, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, 56 केंद्रों पर 18,500 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। परीक्षा एक पारी में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक, 10 बजे बाद एंट्री नहीं। जान लेते इसकी महत्वपूर्ण खबर के बारे में। बीकानेर से इस समय की बड़ी खबर, अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ मूल फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की ओर से किया जा रहा है इस भर्ती की परीक्षा का आयोजन। जी हाँ, जान लेते अगली खबर की ओर। राजस्थान में 4% बढ़ा सरकारी कर्मचारियों का DA, गहलोत सरकार ने महंगाई भत्ता 38 से बढ़ाकर 42% किया। जान लेते इसकी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जानकारी के बारे में। जयपुर से इस समय की बड़ी खबर, केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी DA 4% बढ़ा दिया है। अब DA 38 से बढ़कर 42% हो गया है। वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के करीब 8,00,000 कर्मचारियों और 4,00,000 पेंशनर्स को बड़े DA का फायदा मिलेगा। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज की संपूर्ण महत्वपूर्ण खबरें आपको बताई जाने वाली है। अनुदेशक भर्ती परीक्षा जिला आवंटन के लिए 31 मार्च तक प्राथमिकता विकल्प। जान लेते इसकी खबर, राजसमंद से इस समय की बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई वैश्विक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता विकल्प ऑनलाइन करने के लिए एक और मौका दिया है। अब सफल अभ्यर्थी 25 मार्च तक जिला आवंटन के प्राथमिकता विकल्प भर सकेंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक ने आदेश जारी किए हैं। जान लेते हैं अगली खबर की ओर, SSC MTS रिजल्ट 2023 जारी। SSC की ओर से MTS के पदों पर निकली वैकेंसी का रिजल्ट जारी। 7,494 कैंडिडेट्स का हुआ सिलेक्शन। जयपुर से समय की बड़ी खबर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से MTS के पद पर निकली वैकेंसी के लिए फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट देखने की प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताई जाने वाली है। सबसे पहले अभ्यर्थियों को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा। इससे आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। डिटेल्ड मार्क 6 अप्रैल को होंगे अपलोड। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 मार्च 2022 को शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने वालों के लिए उम्मीदवारों को 30 अप्रैल 2022 तक का समय मिला था। इस परीक्षा में कुल 7,494 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी। जान लेते अगली खबर की ओर, ऐसे करें रिजल्ट चेक। जी हाँ, ssc.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद में वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट्स के लिंक पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में MTS नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2021 डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा, वहां पर क्लिक करना होगा। वहां से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जान लेते हैं अगली खबर की ओर, आदेश जारी, अब संविदा कर्मचारियों का पदनाम बदलेगा, मानदेय बढ़ेगा, आदेश जारी। राजसमंद से बड़ी खबर, राजस्थान के निर्धारित योग्यताधारी संविदा कर्मियों का पदनाम बदलेगा और उनका मानदेय भी बढ़ेगा। राज्य के वित्त विभाग ने इस पर सहमति जताते हुए बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर इस समय की, विभाग ने प्राथमिक शिक्षा के अधीन कुछ पूर्व राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत
लगाए गए ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मियों, पैरा टीचर्स को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदनाम बदलने के साथ साथ मासिक मानदेय बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। आदेश के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मियों व पैरा टीचर्स का मासिक मानदेय बढ़ा करके 16,900 रुपये कर दिया है। जान लेते इसकी महत्वपूर्ण खबर के बारे में। इस बढ़ोतरी का बीएड, बीएसटीसी अथवा डीएलईडी की शैक्षणिक योग्यता वाले संविदा कर्मियों को लाभ इसका मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक का पदनाम भी संशोधित कर दिया गया है। जान लेते इसकी और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। साथ ही इन सभी पदों पर कार्य संविदा कर्मियों को 9 व 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने पर मासिक मानदेय बढ़ा करके क्रमशः आप देख सकते हैं पदनाम संशोधित और इनका जो मासिक मानदेय बढ़ाया गया वो इस प्रकार है 29,600 व 51,600 रुपये कर दिया गया है। वही पदनाम में क्रम से ग्रेड सेकंड व ग्रेड फर्स्ट जोड़ने का भी प्रावधान इसके तहत किया गया है। तो बहुत बड़ी खबर इस समय की। ले चलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज की संपूर्ण महत्वपूर्ण खबरें आपको बताई जाने वाली है। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए आवेदन कल से। जी हाँ, केवीएस की ओर से सत्र 2023 के लिए पहली कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया के आवेदन की तारीख घोषित कर दी गई है। आवेदन 27 मार्च सोमवार से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 5 अप्रैल बताई जा रही है। 7 वर्ष की उम्र के बच्चों का पहली कक्षा में प्रवेश। ले चलते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से प्राथमिक शिक्षा बोर्ड 8वीं सत्रांक प्रविष्टि। जी हाँ, ऑनलाइन सत्रांक जो प्रविष्टि है वह 31 मार्च 2023 है। देख सकते हैं दोस्तों, सेशनल मार्क्स फिलिंग और ऑनगोइंग फ्रॉम 1 मार्च 2023 टू 31 मार्च 2023। ले चलते हैं अगली खबर की ओर। बने रहिए हमारे साथ। फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। हाईकोर्ट के निर्देश, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वालों को फिजिकल टेस्ट में शामिल करें। ले चलते हैं अगली खबर की ओर। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हुए हैं, इन प्रश्नों का भी अवलोकन कर लें जो कि आपके आगे आने वाली सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। 10 महत्वपूर्ण पोर्शन और आंसर उनके नीचे दिए हुए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये थी आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, विभागीय योजनाओं आदि से संबंधित आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।